बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक्स हेवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मजे के वेजिटेबल रोल्स। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनको ये मजेदार डिश बनाकर आप दे सकते हैं रोल की सूरत में। सबसे पहले हम लेंगे व्हीट फ्लोर, जिस आटे को हम डेली यूज करते हैं वो लेंगे हम 1 कप। मैदा लेंगे हम 1 कप और दोनों को अच्छी तरह छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसे आम जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह आटा गूंद लेंगे, अपनी नरम सी डो बना लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी रोटियां अच्छी बन जाएं। अब हम आलूओं को और गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश के तकरीबन 2 से 3 हिस्से होते हैं, जो बारीक वाली साइड है हम उससे कद्दूकश करेंगे। अब हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम प्याज और उसको फ्राई करेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तकरीबन 2 बड़े वाले और इसको नरम होने तक पकाएंगे। अब इसमें कद्दूकश की हुई गाजर और आलू डाल देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करके नरम होने तक पकने देंगे। आलू और गाजरें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। हल्की आंच पर हम इनको पकने देंगे। अब हम अपने गूंदे हुए आटे के पेड़े बना लेंगे। और पेड़े आम रोटी की तरह ना हो, पेड़े आम रोटी से तकरीबन छोटे बनाने हैं ताकि बारीक बारीक हमारे फुलके बन सके रैप्स की तरह। अब हम मैदा डस्ट करके अपने पेड़ों को बेल लेंगे। जितना हो सके बारीक रोटी हमने बेलनी है, वो फिर रैप का टेस्ट आएगा। अब हम हल्का सा ऑयल लगाकर अपनी रोटी पका लेंगे। एक साइड पे जो हमने अपनी वेजिटेबल्स पकाने के लिए रखी हुई थी अब उनको देखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च तकरीबन 2, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। आप इन स्पाइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसको उतार लेंगे और उतार कर फ्रेश हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 1/4 कप या जितना आपको पसंद हो। अब हम अपनी रोटी पर केचप लगाएंगे। मैंने चिली गार्लिक केचप लगाया है, आप चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें प्याज फैला देंगे जो हम सलाद के लिए काटते हैं वैसे, और ऊपर लीमू छिड़केंगे और पकी हुई अपनी सब्जियों को फैला देंगे।
अब हम इस पे मायनीज लगाएंगे। मायनीज आपको जितना पसंद हो उतना आप लगा सकते हैं और रैप की तरह लपेट लेंगे। अगर आपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो बटर पेपर में दे दें या वैसे ही सर्व कर लें। मजेदार वेजिटेबल रैप्स तैयार हैं, जो कि सिंपल हमने चपाती बनाई है और अंदर सब्जियां लगाकर रैप्स तैयार कर ली है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह खैर।